गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो अध्याय है क्लास टेंथ का केंद्र सरकार, उसके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी लोकसभा की जो योग्यताएं हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, और लोकसभा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसके प्रमुख कार्य और प्रमुख अधिकार क्या है, और लोकसभा का अध्यक्ष होने के नाते उसके प्रमुख जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जो राज्यसभा है, संसद का अंग, उसका जो स्टार्टिंग बेस है उसके कुछ बिंदुओं के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहले का जो प्रमुख बिंदु है लोकसभा का, आज का उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहले बिंदु है वो है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है और लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। लोकसभा का अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला है, और जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष का जो पद है वो वर्तमान में क्या है, रिक्त है। तो फिलहाल जो अध्यक्ष का पद है उस पर कौन कार्यरत है, श्रीमान ओम बिरला। अब ओम बिरला के लोकसभा के अध्यक्ष होने के नाते उनके प्रमुख कार्य और प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्रीमान जो ओम बिरला है वो लोकसभा की जो बैठकें होती है उन बैठकों की अध्यक्षता प्रमुख रूप से करने का जो दायित्व है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। यानी लोकसभा की जो समस्त बैठकें होती है, चाहे वो प्रारंभिक सत्र की हो, चाहे वो दूसरे सत्र की हो, कोई भी सत्र हो लोकसभा का, उन समस्त लोकसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और वर्तमान में ओम बिरला है वो लोकसभा के अध्यक्ष पद पे कार्यरत है। बात आती है सदन में शांति बनाए रखना। अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष का प्रमुख दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो जिस सदन की अध्यक्षता कर रहा है, जिस सदन है का वो अध्यक्ष है, उस सदन में शांतिपूर्ण तरीके से कार्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार की क्या है अशांति का माहौल या गर्मजोशी का माहौल, या फिर जब लोकसभा की बैठक चल रही हो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होने देना प्रमुख कार्य बनता है लोकसभा अध्यक्ष का। यानी लोकसभा के सदन में शांति बनाए रखना और कार्रवाई का संचालन है वो सही समय पे होते रहना, ये प्रमुख जो दायित्व है ये लोकसभा अध्यक्ष का होता है। बात आती है समस्त कार्यक्रम और कार्रवाई अध्यक्ष करता है। लोकसभा के समस्त जो कार्यक्रम है और जो कार्रवाई है उनको करने का, उनको निर्वहन करने का प्रमुख जो दायित्व होता है, प्रमुख जो कार्यभार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा की समय सीमा, लोकसभा में किस प्रकार से किस विषय पर कौन कितना समय देगा, ये सब कुछ निर्धारण करना है, ये अध्यक्ष का दायित्व होता है। और सारी कार्यप्रणाली प्रारंभ से लेकर अंतिम तक पूरी है वो प्रमुख रूप से लोकसभा के अध्यक्ष की देखरेख में तैयारी की जाती है।
बात आती है नेता के परामर्श से वाद विवाद का समय निश्चित करता है। नेता के परामर्श से, यहां नेता किसे कहा गया है? यहां अध्यक्ष तो कौन हो गया? ओम बिरला जी। लेकिन यहां बात करें नेता के परामर्श से, तो नेता होता है प्रधानमंत्री। नेता कौन होता है या लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष दोनों मिलके क्या करते हैं कि कौन सा मंत्री है वो कितने समय तक अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा और अपने प्रस्ताव के साथ उसका समय है वो कितना होना चाहिए, तो वो किस विषय पे बोलेगा, कितने समय तक बोलेगा और कौन सा विभाग से संबंधित वो कार्यरत है, ये समस्त बातचीत होने के बाद में प्रमुखतः ये डिसाइड किया जाता है प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कि किसी मंत्री को कितने समय तक बोलेगा और किस विषय पर वो अपने विस्तार है वो प्रस्तुत करेगा। ये दोनों है, वो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष है, वो दोनों इस बात का निर्धारण करते हैं, इस बात को तय करते हैं। सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति। अब सदन में विभिन्न समितियां हैं वो कार्यरत है विभिन्न उद्देश्यों को लेके, विभिन्न विषयों को लेके, और इन समस्त विषयों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इन समितियों का अध्यक्ष होता है, इनका प्रमुख सभापति होता है। एक प्रकार से कहा जाए तो एक प्रकार से किस विषय पर कार्य किस प्रकार से हो रहा है, किस विषय संबंधित कार्य कहाँ किया जा रहा है, कौन से विचार वर्तमान प्रस्तुत किए गए, ये समस्त जो है कार्य एक प्रकार से समितियों के माध्यम से इनकी देखरेख का कार्य जो प्रमुख जिम्मा है वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष का एक प्रमुख दायित्व है, एक और भी है, वो है विधेयक का। विधेयक है वो कई प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, या सिर्फ विधेयक की बात करें अपन तो ये जो विधेयक हैं इनमें विभिन्न रूप के कारण इनकी विभिन्न विशेषताएं हैं। तो इसमें बात आती है धन विधेयक की, कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं ये निश्चित करने का फैसला है ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। ध्यान रखना कि धन विधेयक है वो धन विधेयक डिसाइड करना निर्णय देना ये प्रमुखतः लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। और एक विशेष बात, धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में। धन विधेयक हैं वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। बात आती है संसद और राष्ट्रपति के बीच अहम भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष का एक प्रमुख कार्य और दायित्व यह भी होता है कि वो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति, यानी संसद के अंगों के बीच में और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संसद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार कड़ी के रूप में कार्य करता है? समस्त संसद की जो सूचनाएं हैं वो किसके पास पहुंचाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने जो अपने विचार विमर्श उनसे संबंधित दिए हैं वो पहुंचाता है संसद के पास में। तो एक प्रकार से दोनों को जोड़े रखने का और विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संसद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी के रूप में प्रमुख कार्य करता है। बात आती है प्रवर समिति की। हम ऊपर बात कर रहे थे कुछ समितियों की, उसी में से आती है प्रवर समिति। अब बताती है प्रवर समिति क्या होती है और प्रमुखतः इसमें क्या कार्य किया जाता है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवर समिति है क्या
तो ध्यान रखना, किसी विषय की छानबीन करने और विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई समिति, यानी किसी विषय से संबंधित है, हमें जांच पड़ताल करनी है, उसकी छानबीन करनी है और उसकी गहराई तक पहुंचना है और विचार विमर्श उस विषय पे, उस सब्जेक्ट पे विचार विमर्श करना कि ये किससे संबंधित है, इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इसका लाभ होगा, क्या हानि होगी और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उस विषय की समस्त छानबीन करना और उस पर विचार विमर्श करने का जो प्रमुख कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रवर समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रवर समिति के द्वारा प्रमुख कार्य किया जाता है। बात आती है विधेयक की। हमने बात की थी अभी विधेयक की कि विधेयक है वो कई प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक भी होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं, सामान्य विधेयक होते हैं, धन विधेयक होते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं अपन, बेसिक यानी सामान्य बात की कि विधेयक है क्या, विधेयक में प्रमुखता क्या बात होती है, इसको समझने का बारीकी से प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात आती है विधेयक एक प्रस्ताव होता है। विधेयक क्या होता है? प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव यानी विचार। प्रस्ताव यानी क्या हो गया? एक विचार होता है जो प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है विधेयक एक क्या है? प्रस्ताव होता है जिसे कानून का स्वरूप देना होता है। एक विचार है और विचार क्या है? कानून का रूप कब लेता है? जब उसे प्रमुख रूप से कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना कि विधेयक एक क्या है? प्रस्ताव है और प्रस्ताव को किसका रूप दिया जाता है? कानून के रूप में उसको बदल दिया जाता है। अब कानून के रूप में बदलने के लिए ये कुछ प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले संसद के दोनों सदनों, यानी कोई भी विधेयक है, कोई भी प्रस्ताव है, वो कानून बनेगा उससे पहले उसे संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन कौन कौन से? कर्मश, लोकसभा और राज्यसभा। किससे? लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजता है। जब प्रस्ताव है वो कानून का रूप लेता है तो उसको संसद के दोनों सदनों में से गुजरना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा। और जब ये दोनों सदनों में पारित हो जाता है, यानी संसद में जब ये पारित हो जाता है तो उसे किसके पास मंजूरी के लिए, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसको विधेयक को भेजा जाता है। आगे बात आती है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, मंजूरी यानी अनुमति मिलने के बाद, परमिशन मिलने के बाद, सहमति मिलने के बाद एक विधेयक कानून का रूप लेता है और कानून बन जाता है। तो विधेयक की स्पष्ट परिभाषा हो गई कि कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी विचार है, उसको कानून के रूप में बदलना है तो उसे कहाँ भेजा जाएगा? संसद में भेजा जाएगा। और संसद जब उस विधेयक को, संसद उस विधेयक को, प्रस्ताव को जब पारित कर देती है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और राष्ट्रपति जब उस विधेयक पे अपनी अनुमति, सहमति प्रदान कर देता है तो वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। आगे बात आती है धन विधेयक की। धन विधेयक किसे कहते हैं? ये तो बात थी फिर विधेयक की, अब आगे बात है विधेयक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी कर को लगाना, संशोधन करना या हटाना धन विधेयक कहलाता है। ध्यान रखना, धन विधेयक किसे कहते हैं? किसी कर को लगाना, संशोधन यानी परिवर्तन करना या इस उस कर को हटा देना, वो प्रमुखता क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे बताती है धन विधेयक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो धन विधेयक है उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मनी बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनी बिल है वो धन विधेयक को अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार क्या है और इसमें हमने चर्चा की कि किस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष अपने दायित्व निभाता है और धन विधेयक किसे कहते हैं, विधेयक किसे कहते हैं, प्रवर
समिति किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, विस्तार से अध्ययन किया।